तिहाड़ जेल में महिलाओं की जिंदगी देखकर चौंक जाएंगे आप। दोस्तों, जेल एक ऐसी जगह जहां जाने के बाद आप बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट जाते हैं। चारों तरफ मुजरिमों के चेहरे नजर आते हैं। कोई भी विश्वास करने लायक नहीं होता, क्योंकि हर किसी ने कोई ना कोई जुर्म किया होता है। ऐसे में इस तरह के लोगों के साथ अपनी जिंदगी बिताना मौत से भी बदतर हो जाता है। और जब बात महिला कैदियों की आती है तो उनकी जिंदगी तो जेल के अंदर नर्क से भी गंदी होती है, जहाँ कई बार तो महिलाओं के साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके बारे में सोचकर ही आपके रूह कांपने लग जाए। ऐसे में आइए जानते हैं कि जेल की दुनिया के वो खौफनाक राज जिन्हें हमसे और आपसे छुपा कर रखा गया है। दोस्तों, जेल एक ऐसी जगह जहां कोई मरकर भी नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि मुजरिमों को सजा देने के लिए बनाई गई जेलों में उनके साथ किस तरह के कुकर्म होते हैं उसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं है। ऐसे में यह कहा जाए कि जेल की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है तो ये गलत नहीं होगा। वहां रहने वाले लोग हर रोज यही सोचते हैं कि बस आज की रात में किसी हवस का शिकार न बनूं, फिर मुझे कोई अपने गुस्से से मारने ना लगे। फिर चाहे वो जेल के पुलिसकर्मी हो या फिर वहां पर अपनी सत्ता जमाए बैठे बड़े कैदी जिन्होंने जेल के अंदर ही गैंग बना रखी है। जी हाँ, ये सभी लोग मिलकर दूसरे कैदियों के साथ शोषण करते हैं, उनसे अपनी सेवा करवाते हैं और उनके साथ दुष्कर्म करते हैं। बेचारा कोई कैदी इस बारे में किसी को भी बता नहीं सकता। महिला हो या पुरुष, हर किसी की जिंदगी जेल में मौत से बदतर बन जाती है। और इसीलिए जब कोई कैदी जेल में कुछ साल बिताकर आता है तो अंदर से पत्थर बन चुका होता है। सबसे पहले अगर बात करें जेल के कैदियों को कहाँ रखा जाता है, तो दोस्तों फिल्मों में हम जो कैदियों को ड्रेस देखते हैं ना, ये ड्रेस केवल उन्हीं कैदियों को दी जाती है जो लंबे समय तक जेल में रहने वाले हैं या फिर जिनकी सजा लंबी हुई है। कम समय के लिए जेल में आने वाले कैदियों को कोई ड्रेस या फिर कैदी नंबर नहीं दिया जाता। वो अपने पुराने कपड़ों में और अपने नाम से ही जेल के अंदर जिंदगी काटते हैं। जेल के अंदर कई तरह के अलग अलग हिस्से होते हैं जिन्हें बैरक कहा जाता है, जहाँ पुराने कैदियों के लिए अलग बैरक होता है और जो नए कैदी होते हैं उनके लिए अलग होता है। जो कैदी जेल में केवल 14 से 15 दिन के लिए जाते हैं उनके लिए अलग बैरक मौजूद होता है और उन्हें जेल में बाकी बड़े कैदियों से थोड़ा दूर रखा जाता है। और अगर हम जेल में मिलने वाले खाने की बात करें तो आप लोगों ने फिल्मों वगैरह में अक्सर देखा होगा कि कैदियों को एक एल्यूमिनियम की थाली में सूखी रोटी और दाल दी जाती है, लेकिन असल जिंदगी की जेलों में ऐसा नहीं होता। वहां पर कैदियों को निर्धारित समय पर चाय, पानी, नाश्ता और खाना दिया जाता है और उनके सेहत का ख्याल रखा जाता है। कैदियों को सुबह 7 बजे चाय के साथ नाश्ता दिया जाता है। नाश्ते में ब्रेड, पराठा और बिस्किट वगैरह मिल जाता है। दोपहर में 12 बजे तक दोपहर का लंच मिल जाता है, जिसमें रोटी, चावल, दाल और सब्जी मिलती है। और शाम को 6 बजे के आसपास रात का डिनर मिल जाता है, जिसमें करीब 6 रोटी के साथ दाल और सब्जी परोसी जाती है। और ये सारा खाना जेल के कैदी बनाते हैं। पर दोस्तों, जेल का खाना घर के खाने जैसा नहीं होता। ना सब्जी में कोई स्वाद होता है, ना दाल में। कोई भी चीज़ मसालेदार या फिर चटपटी नहीं बनाई जाती। यानी कि जेल के अंदर कैदियों को सच में रूखा सूखा ही खाने को मिलता है भाई। बस इतना फर्क है और इतना ध्यान रखा जाता है कि उनकी सेहत सही बनी रहे और उनके खाने में पोषण भरपूर मिला रहे, ताकि चटपटा और मसालेदार खाना खाकर वो बीमार ना पड़ जाएं। और अब अगर बात करें कि जेल में महिला कैदियों को किस तरह से रखा जाता है, उनकी जेल में क्या हालत होती है, तो हमारे भारतीय समाज में आमतौर पर यही कहा जाता है कि महिलाएं ज्यादा अपराध नहीं करती, ज्यादातर गुना पुरुष ही करते हैं। लेकिन अगर कोई महिला किसी अपराध की दोषी पाई जाती है तो जेल के अंदर उसकी आगे की जिंदगी कष्टों भरी होती है, जहां महिला कैदियों को जेल के अंदर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 15 सालों में महिला कैदियों की संख्या में 61% बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन इन सब के बावजूद कैदियों के लिए जिन सुविधाओं की जरूरत होती है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, या फिर कह लीजिए कि हालात पहले से भी बदतर हो गए। ऊपर से महिला कैदियों के साथ होने वाले अमानवीय बर्ताव से काफी ज्यादा परेशानी होती है। ऐसे कई सारे केस सामने आते हैं जहां महिला कैदियों के साथ शारीरिक शोषण किया जाता है, उनकी जिंदगी हर तरह से नर्क बना के रख दी जाती है। उन्हें बार बार ये चीज याद दिलाई जाती है कि उन्होंने महिला होते हुए जुर्म किया, जिसके लिए उन्हें हर पल सजा मिलेगी। महिला कैदियों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार को समझने के लिए हमें 2 सवालों पर ध्यान देना होगा। पहला तो ये कि महिला कैदियों की संख्या में इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है, और दूसरा ये कि मूलभूत सुविधाओं के स्तर पर भी जेल में महिलाओं को किस तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अगर संख्या के बारे में बात करें तो साल 2018 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 4,66,000 लोग जेल में रह रहे हैं, जिसमें से कुल 20,000 महिला कैदी हैं। राजस्थान की जेलों में होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक पता चला कि महिला कैदी आमतौर पर कमजोर सामाजिक और आर्थिक तबके से आती हैं, जहां पैसों की तंगी की वजह से महिला कैदियों की जमानत भी नहीं हो पाती। कई बार तो अपराध साबित न होने के बावजूद भी उन महिलाओं को सालों तक जेल में रहना पड़ता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि इन कैदियों की उम्र भी काफी कम होती है। ऊपर से इनके जो बच्चे होते हैं उनकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। कम शिक्षा, पैसों की तंगी और जेल के हालात से ये सारी चीजें मिलकर महिला कैदियों की हालत खराब कर देती हैं।
अब जैसे कि आप तुलसी को ले लीजिए, नेपाल में जन्मी तुलसी अपने पति की हत्या के कारण जेल पहुंच गई। वैसे तो तुलसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन पुलिस के दबाव में उसने जो स्टेटमेंट दिया था उसी पर उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि उसे जमानत मिल सकती थी, लेकिन जमानत के पैसे ना होने के कारण उसे जेल में रहना पड़ा। ऊपर से तुलसी पढ़ी लिखी भी कम थी, इसलिए उसे ये नहीं पता था कि उसे निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सकती है, जिसकी वजह से तुलसी साल 2010 तक जेल से बाहर नहीं आ पाई। और जब उसे सरकार से निशुल्क सहायता मिली, तब जाकर उसने आजादी की हवा में सांस ली। तुलसी की तरह कई और सारी ऐसी महिलाएं जिन्हें निशुल्क सहायता के अधिकार के बारे में पता ही नहीं है। कई मामलों में महिलाएं पुलिस के दबाव में अपराध कबूल करती हैं, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही होती है भाई। महिला कैदियों पर होने वाली एक स्टडी में कुल 150 महिला कैदियों से बात की गई, जिनमें से 128 महिलाएं ऐसे परिवारों से आती हैं जिनके महीने की आमदनी 4000 से भी कम थी, और केवल 9 महिलाएं ऐसी थीं जिनकी महीने की आमदनी कही है तो 15000 से ज़्यादा थी। अब आप सोच लीजिए सभी महिलाएं किस तरह की सोसाइटी से आती हैं। अब जिस गरीबी भरे माहौल में महिलाएं रह रही हैं, वहां पर इंसान अपना पेट भरने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कोई जुर्म भी कर देता है, तो उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जितनी बड़ा सज़ा इन महिला कैदियों को जेल के अंदर मिली है। अब भले ही कैदियों की सज़ा कम हो तो उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक जेल में रहना भी पड़ता है, लेकिन जेल के अंदर कैदियों का हर एक पल आग के अंगारे जैसा होता है भाई। जब महिला कैदियों के साथ हर पल जुर्म होता है, सबसे पहले तो जेल में काम करने वाले कर्मचारी उन्हें जानवरों की तरह मारते पीटते हैं, ऊपर से सालों से जेल के अंदर रह रहे दूसरे कैदी भी उन पर अपना रौब जमाने लगते हैं, और इन सब के चक्कर में महिला कैदियों को हर वो चीज़ करनी पड़ती है जो अगर बाहरी दुनिया में किसी महिला के साथ की जाए तो ये सब कुछ दंडनीय अपराध होगा। लेकिन जेल में महिला कैदियों को पहले से मुजरिम करार दिया गया होता है। अब उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं देता, और इस मामले में हमारा प्रशासन वाकई में काफ़ी ढीला है, और सिर्फ प्रशासन ही नहीं, हमारा समाज भी महिला कैदियों को लेकर काफ़ी गलत बर्ताव करता है। क्योंकि जब कोई पुरुष जेल के अंदर जाता है, हर कोई उसकी मदद करता है और उसे जल्द से जल्द जेल से निकलवाता है, लेकिन जब कोई महिला जुर्म करके जेल के अंदर जाती है तो उसके दोस्त या रिश्तेदार हर कोई उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि जुर्म करने वाली महिलाओं को समाज में बहुत नीचे दर्जे में देखा जाता है, उन्हें इंसान नहीं समझा जाता। पुरुष जब ऐसा करते हैं तो उनके गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। आप खुद कल्पना कर सकते हैं, एक तरफ तो महिला कैदियों को परिवार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, ऊपर से जेल के अंदर उनकी जिंदगी नर्क जैसी हो जाती है, ना उनको कोई खाने पीने की सही चीज़ें मिलती है, ना कोई सुविधा। बहुत कम ऐसी जेल हैं जहाँ महिला कैदियों को रखा भी जाता है, और इसी वजह से उनकी सुख सुविधाओं को और उनके खान पान पर सरकार भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिला कैदी जेल के अंदर कैसे अपनी ज़िंदगी काटती होंगी। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि जेल के अंदर महिला कैदियों की ज़िंदगी पुरुष कैदियों से बदतर होती है तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि वाकई में उन पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ना कोई परिवार वाले ज़्यादा ध्यान देते हैं और ना सरकार। अब आपका महिला कैदियों की स्थिति पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को हमारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।